अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने गुजराती के पीरियड में रूढ़ी प्रयोग के बारे में मालूमात हासिल की थी। उम्मीद करती हूँ आपको रूढ़ी प्रयोग समझ में भी आए होंगे और आपने नोट में लिख भी लिए होंगे। तो बच्चों, आज हम गुजराती के इस पीरियड में आगे बढ़ते हुए कहवत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो रूढ़ी प्रयोग और कहवत मिलते जुलते हैं। जैसे रूढ़ी प्रयोग का इस्तेमाल हम बात में वज़न डालने के लिए या उसको और इफ़ेक्टिव तरीके से बयान करने के लिए करते हैं, बिल्कुल कहवत का भी यही काम है कि जो हमारा जुमला होता है वो कहवत की वजह से बहुत ही असरकारक हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कहवतों नु महत्व, यानी कहवतों की क्या अहमियत है, क्यों इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। कहवतों पूरे पूरो अर्थ व्यक्त करनारा स्वतंत्र वाक्य होय छे। जो कहवत है वो इस प्रकार का, मतलब के जो जुमला हमारा होता है उसका स्वतंत्र अर्थ वो बताते हैं। हमारे कहवत के ज़रिए सामने वाले को हम हमारी बात पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से हम समझा सकते हैं। कहवतों में सुंदर बोध समायलो होय छे। कहवतों में बहुत ही अच्छी सीख हमें मिलती है। कहवतों के ज़रिए मतलब हम किसी को आसानी से और इफ़ेक्टिव तरीके से बहुत अच्छी सीख कम शब्दों में हम दे सकते हैं। कहवतों भाषा ने प्राणवान बनावे छे। जो कहवत है वो भाषा को प्राणवान यानी उसमें जान डालने का काम करती है। कहवतों नो प्रयोग कथन के विधान ने असरकारक बनावा माटे थाय छे। कहवत जो है उनका इस्तेमाल जो जुमला है उसको और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए होता है। तो ये है कहवतों का महत्व, उसकी अहमियत हमने देखी। अब कुछ कहवतों के ज़रिए हम समझेंगे। धोबी न कुत्रो न घर नो न घाट नो, जैसे हम कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब बन्ने पक्ष ने प्रसन्न राखवा मतनार बन्ने पक्ष नो विश्वास गुमावे छे। मतलब दो जगह खुश रखने, दो जगह पर प्रसन्न रखने वाला इंसान दोनों ही जगह से अपना विश्वास गवा देता है। ना मामा करता कहवाता मामा सारा, मतलब तद्दन अभाव करता जे थोड़ू मड़े ते पण सारू गणू। मतलब बिल्कुल कोई चीज़ हमें हासिल ना हो उससे बेहतर है कि थोड़ी सी वो चीज़ हमें हासिल हो जाए। पानी पहला पाड़ तो सलामत तड़ाओ। चेतता नर सदा सुखी, मतलब हमेशा मुश्किल आने से पहले ही उसका अंदेशा करके पहले ही उसकी सेफ्टी या उसकी सलामती के लिए तवज्जो कर लेनी चाहिए। बे घरनों परोणों भूखे मरे, मतलब जो दो घर का मेहमान होता है ना वो हमेशा भूखा रहता है। इसका मतलब है अनिश्चित मनोदशा मुश्किल ही सर्जे। मतलब जब हम कोई फैसला नहीं कर पाते हैं तब हमेशा हम मतलब के मुश्किल में पड़ जाते हैं। भावतू हतू ने वह देखी दू, इसका अर्थ क्या होता है, पोता ने पसंद होय तेनुज कोई द्वारा सूचन करवामां आव्यु होय। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें बुखार हो और हमें जो चीज़ पसंद हो वही डॉक्टर ने हमें खाने के लिए कहा है तो हम इतने खुश हो जाएंगे कि हाँ हमें तो ये पसंद ही है और डॉक्टर ने भी कह दिया है। तो बिल्कुल मतलब के भावतु हतु ने वैदे कही हो, इस तरह ये बात हो जाएगी। और थोड़ी कहवतें देखते हैं। भैंस आगड़ भागवत, मतलब हम कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब अण समझू ने उपदेश आपो नक्कामोचे। मतलब जो ना समझ है उसे कोई भी अच्छा उपदेश देना या उसे कुछ भी समझाना बेकार है। मन होय तो माणवे जवाई, मतलब इच्छा होय तो बधू थाय। मतलब अगर कोई काम करने की हमारी इच्छा है तो वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारा कोई काम में मन नहीं है तो कभी भी अच्छी और मुकम्मल तरीके से हम वो काम नहीं कर पाएंगे। मांग्या वगर सगी मापण ना पीर से, इसका अर्थ होता है कहिया वगर कोई समझे नहीं। अगर आप किसी से कहोगे नहीं अपने मन की बात तो यहाँ सगी माँ का जो है वो मिसाल दी है कि कहे बिना सगी माँ भी पिरसती नहीं है, मतलब खाना देती नहीं है। तो कोई भी अगर आपके मन में बात है तो वो आपको कहनी चाहिए, आपके कहे बिना कोई उसे समझेगा नहीं। हसवू अने लोट फाकवो ए साथे न बने, एक साथे बे काम न थई सके, यानी हमेशा एक साथ दो काम नहीं हो सकते हैं। हाजर सो हथियार,
इसका अर्थ है जे साधन पासे होय तेनाथी काम पार पाड़ू, मतलब जो साधन हमारे पास है उसी से काम पूरा करना है। अक्सर हमारी फितरत क्या होती है, अगर कॉमन बात की जाए तो, कि जो हमारे पास जो चीज़ नहीं है ना उसका रोना हम हमेशा रोते रहते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करती, अगर वो होता तो वो करती। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है, अवेलेबल है, उससे हम हमारा काम नहीं चलाएंगे, जो नहीं है उसका रोना रोएंगे। तो यहाँ कहावत है कि हाजिर सो हथियार, मतलब जो साधन आपके पास है उसी से आपको काम करना है। हाथी ना पगला मा बधा ना पगला समाय, मुख्य बात के व्यक्ति मा अन्य बधीज गौण बात के व्यक्ति नो समावेश थाय, मतलब यहाँ घर के जो बड़े है, जो मेन है, अगर उनका कोई फैसला हो जाता है तो उसमें सभी बातों का शुमार हो जाता है, फिर किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है। अक्कल नो ओथमीर मंगावी भाजी ने लई आवियो कोथमीर, क्या कहते हैं कि मूर्ख माणस एक ने बदले बीजूज काम करे छे। अगर कोई मूर्ख, कोई बेवकूफ़ इंसान है, अगर उसको कोई काम आप सौंपते हो तो उसके बदले वो दूसरा ही काम करता है। अणीनो चुक्यो सौ वर्ष जीवे, एक वक्त निष्फलता के आफत माथी उगरी जनार सफलता नी परंपरा नो लाभ मेड़वे छे, मतलब अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तो अगर उस वक्त हम वो मुसीबत में से निकल गए तो काफ़ी वक्त तक हम मुश्किलों से दूर रह सकते हैं। अत्तर ना छाटना होय एना फुवारा न होय, अक्सर ये भी आता है एग्ज़ाम में, तो जे ते चीज़ जरूर जेटलीज वापरवी, मतलब जैसे हम इतर लगाते हैं तो थोड़ा ही इतर हम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फुवारा यानी बहुत ज़्यादा उसको नहीं डालते हैं। तो उसके ज़रिए यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी चीज़ हो वो ज़रूरत के जितनी ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ, पोतानु काम पोतानी जाते करवू के जेथी संतोषकारक अने सारू थाय, इससे मिलती जुलती और एक है कि पार की आस सदा निराश, मतलब अगर हम दूसरों पे उम्मीद रखेंगे, दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो हमेशा हमें निराशा ही मिलेगी। उससे अच्छा है कि अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब जो भी काम करना है वो खुद के ऊपर ही डिपेंड होकर करना है ताकि काम अच्छे से हो सके। तो कहावतों के ज़रिए बहुत ही असरकारक तरीके से, मतलब के मशहूर तरीके से हमें बात समझाई जाती है। आप समान बड़ नहीं मेघ समान जड़ नहीं, जैसे अभी हमने देखा कि वही जात मेहनत जिंदाबाद या अपना हाथ जगन्नाथ या पार किया सदा निराश, और ये जो आप समान बड़ नहीं और मेघ समान जड़ नहीं, ये सब मिलती जुलती कहवतें हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नीचे में से कौन सी दो कहवतों का अर्थ एक जैसा होता है, तो तब आपको ऐसी कहवतें ध्यान से पढ़नी है और उसके बाद उनका अर्थ समझकर आंसर लिखना है। जात मेहनत सर्वश्रेष्ठ अपना हाथ जगन्नाथ, वही अपनी खुद की मेहनत को यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कड़वू ओसड़ माज पाए, मतलब जेने प्रेम होय तेज न गमती पण उपयोगी अथवा साची बातनी शिखामण आपे, मतलब अगर कोई हमें कड़वी वाणी कड़वे बोल बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे नफरत करता है, लेकिन हकीकत में जो सच में हमसे प्रेम यानी हमसे जिसको लगाव होगा वो ही हमें हमारे काम की, चाहे वो बात कड़वी क्यों ना हो, लेकिन हमें उसकी सीख देगा। घरडा गाडा वाड़े, घरडा यानि बुजुर्ग, घर के बुजुर्ग, तो अनुभवी लोगों ने सलाह खरे समय काम लागे। अक्सर जिंदगी में हमें कभी कोई मुश्किली आ जाए तो जो अनुभवी लोग होते हैं, जो हमारे घर के बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी अगर हम अनुभव के हिसाब से उनकी सलाह अगर हम माने तो काफ़ी हद तक हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। जानमा कोई जाने नहीं ने हूँ वरनी फुई, ये भी बहुत अच्छी कहवत है। पोतानु स्थान न गण्य होवा छता सगड़ो वहीवट पोताना हाथमाज छे तेवो आडंबर करो, क्या कहते हैं कि किसी जगह पे किसी महफिल में खुद का जो रुतबा है वो कुछ भी नहीं है, न गण्य यानि नहीं के समान है, लेकिन फिर भी वो इंसान कैसा आडंबर करता है, आडंबर यानि कैसा दिखावा करता है कि यहाँ का जो पूरा वहीवट है, कारोबार है, वो मेरे ही हाथ में है, मतलब खुद का खुद की कोई अहमियत नहीं होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखने का ढोंग करता है। तो यहाँ वही बात बताई गई है, ज्या पंच त्या परमेश्वर, पंच यानि पांच, मतलब एकता माँ प्रभुता नो वास छे, मतलब जहाँ एकता होगी यूनिटी होगी वहाँ प्रभु का वास है, मतलब वहाँ ईश्वर
खुश होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहावत समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान है। तो आपको ये सब कहावतें अपनी नोट में भी लिख लेनी है और हम हमारी रोज़िंदा जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो रूटीन लाइफ है, उसमें भी हम ये कहावतों का इस्तेमाल किसी को हमारी बात समझाने के लिए बहुत ही ईजीली करते हैं, कर सकते हैं। तो आपको ये सभी कहावतें नोट में लिख लेनी है। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।